हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरी मिर्च का झटपट बनने वाला अचार बनाएंगे। इस अचार को आप एक बार बनाकर साल भर तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इस आसान सी अचार की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। गैस ऑन करके पेन में डालेंगे 5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून बनारसी राई, 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2.5 टेबल स्पून बनारसी राई भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, अगर आपके पास कलौंजी है तो आप इसमें 1 टीस्पून कलौंजी भी ऐड कर ले। मेरे पास अभी कलौंजी नहीं है तो मैं इसे स्कीप करूँगी। अब हम लो फ्लेम पर मसाले को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। हमें मसालों का कलर चेंज नहीं करना है। इस प्रकार से मसाले को भूनने से मसाले में अगर कोई नमी होगी तो वो दूर हो जाएगी और अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। लगभग 4 मिनट तक मसालों को हमने लो फ्लेम पर भून लिया है और मसालों में से खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और सेम पैन में अब हम डालेंगे 150 ml सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमें थोड़ा और भी लगेगा तो हम बाद में ऊपर से डालेंगे, क्योंकि हम अचार में मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाकर डालेंगे। बहुत से लोग अचार में केवल मसाला खाना ही पसंद करते हैं दाल चावल के साथ। तो तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। अब हम मिर्च को कट करेंगे। यहाँ पर हमने 250 ग्राम अचार वाली मोटी मिर्च ली है। अगर आपको मोटी मिर्च नहीं मिलती है तो आप इसे पतली वाली मिर्च से भी बना सकते हैं। बस मिर्च का कलर डार्क ग्रीन होना चाहिए। डार्क ग्रीन कलर की मिर्ची अच्छे से पकी होती है तो अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। मिर्च को हमने अच्छे से धोकर आधा घंटा धूप में सुखा लिया है। आप चाहें तो इसे कपड़े से अच्छे से पोंछकर पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम मिर्च के डंठल को तोड़कर अलग कर देंगे। सारे डंठल को तोड़ने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें मिर्ची को काटना है। इस प्रकार से काटकर मिर्च का अचार डालना बहुत ही आसान हो जाता है। बिना स्टफिंग के आसानी से अचार बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारी मिर्च को हमने काट लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें 2 नींबू का रस निकाल कर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नींबू नहीं है तो मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे अलग रखेंगे। मसाला जो हमने भून कर रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग। अगर हींग आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून हींग ही डालें। 1 टेबल स्पून काला नमक। अगर आपको अचार में काला नमक डालना पसंद नहीं हो तो आप इसकी जगह इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे अचार में केवल अच्छा सा कलर आएगा। अगर आप छोटी वाली मिर्च के साथ अचार बनाते हैं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं। अब हम मसालों को हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, चालू बंद करते हुए केवल 2 से 3 बार ही चलाना है। तो मसालों को हमने इस प्रकार से दरदरा पीस लिया है। अब हम मसाले को मिर्च में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालते समय तेल को आप चेक कर लें कि तेल अच्छे से ठंडा हुआ है या नहीं। गरम तेल को हमें अचार में नहीं डालना है। अचार को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम अचार को भरेंगे। अचार को भरने के लिए आप कांच या इस प्रकार का चीनी का कंटेनर ले सकते हैं। कंटेनर को अच्छे से धोकर धूप में 2 घंटा सुखा लें। अब हम अचार को कंटेनर में डालेंगे। अब हम अचार के ऊपर थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तेल को हमने पहले से गर्म करके ठंडा कर लिया है। 2 से 3 दिन बाद जब अचार गलेगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा तेल हमें इसमें नहीं डालना है। तो आप इस आसान से मिर्च के अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।